नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल फैक्ट्स बिहाइंड हिंदी में। दोस्तों, मेरा आज का वीडियो किडनी स्टोन को लेकर है, क्योंकि भारत में किडनी स्टोन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दोस्तों, आपकी किडनी स्टोन का साइज जब 10 mm के ऊपर पहुंच जाता है तो डॉक्टर आपको सर्जरी के लिए सजेस्ट करते हैं। अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको उन टेक्निक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका यूज़ डॉक्टर सर्जरी के लिए करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, आजकल बॉडी में पत्थरी होना एक बेहद आम बात है, और अगर किडनी स्टोन्स की बात करें तो भारत की आधे से ज़्यादा आबादी इस प्रॉब्लम से परेशान है। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों के किडनी स्टोन्स तो पानी या फिर खारा पीने से निकल जाते हैं, लेकिन कुछ स्टोन्स बिना कोई दर्द के अंदर ही अंदर काफ़ी बड़ा साइज ले लेते हैं, और जब ये स्टोन्स किसी तरह अपनी जगह से डिसलोकेट होते हैं तो ये ब्लॉकेज का कारण बनते हैं, जिससे आपको काफ़ी तेज़ दर्द और यूरिनेशन में प्रॉब्लम आने लगती है। दोस्तों, ब्लॉकेज से किडनी खराब होने का भी खतरा बना रहता है, इसीलिए डॉक्टर्स इन बड़े स्टोन्स को निकालने के लिए कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनके नाम है शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, साइटोस्कोपी एंड यूरेट्रोस्कोपी और प्रीक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी। सबसे पहले हम बात करेंगे शॉक वेव लिथोट्रिप्सी की। दोस्तों, पत्थरी निकालने के लिए ये एक काफ़ी सेफ टेक्निक है, क्योंकि इस टेक्निक में आपकी बॉडी के अंदर किसी तरह की कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट को इंसर्ट नहीं किया जाता। इस टेक्निक में डॉक्टर्स पत्थरी निकालने के लिए शॉक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। स्टोन जब छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है तो ये यूरिनरी ट्रैक के रास्ते बॉडी से बाहर निकल जाता है। दूसरी टेक्निक हमारे पास आती है साइटोस्कोपी एंड यूरेट्रोस्कोपी। दोस्तों, इस टेक्निक में डॉक्टर स्टोन रिमूव करने के लिए साइटोस्कोप और यूरेट्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। साइटोस्कोप का इस्तेमाल यूरिथ्रा और ब्लैडर के अंदर स्टोन देखने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही यूरेट्रोस्कोपी में डॉक्टर यूरेट्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, जो साइटोस्कोप से लंबा और पतला होता है। डॉक्टर्स यूरिथ्रा के थ्रू साइटोस्कोप या फिर यूरेट्रोस्कोप को बॉडी में इंसर्ट करते हैं। जब इनके आगे लगे कैमरा से पत्थरी दिख जाती है तो डॉक्टर्स लेज़र की मदद से इसे स्मॉल पीसेस में तोड़कर बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों, आखिरी टेक्निक हमारे पास आती है परकुटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी। दोस्तों, इस टेक्निक में डॉक्टर एक थिन रोड लाइक टूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे नेफ्रोस्कोप कहते हैं। इस टेक्निक में सबसे पहले डॉक्टर आपकी लोअर बैक में एक छोटा सा कट लगाते हैं, और इस कट के जरिए आपकी किडनी में नेफ्रोस्कोप इंसर्ट किया जाता है। अगर स्टोन का साइज बड़ा है तो डॉक्टर इसे तोड़ने के लिए लेज़र का इस्तेमाल करते हैं और इसे तोड़कर बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। इस टेक्निक में आपको 2 या 3 दिन के लिए हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन तीनों टेक्निक्स में स्पाइनल एनास्थीसिया का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, पत्थरी निकालने के बाद कई बार डॉक्टर्स आपके यूरिनरी ट्रैक में एक थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब डालते हैं, जिसे यूरिथ्रल स्टेंट और डीजे स्टेंट कहा जाता है। डीजे स्टेंट का काम यूरिन के फ्लो को बनाए रखना, और अगर ट्रैक में कोई छोटी मोटी पत्थरी है तो यह उसे निकालने में मदद करता है। दोस्तों, इस स्टेंट की दोनों साइड्स इंग्लिश के अल्फाबेट जे की तरह मुड़ी हुई होती हैं, इसीलिए इसे डबल जे स्टेंट कहा जाता है, और ये साइड्स इसीलिए मुड़ी हुई होती हैं ताकि ये बॉडी के अंदर आपके किडनी या फिर ब्लैडर को किसी तरह का नुकसान ना पहुँचाए। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की जानकारी, आशा करता हूँ कि आपको जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।